बारिश भी हो रही है और विंड स्पीड भी काफी चल रही है, तो रात को हम उड़ ना जाए और परेशानी ना हो जाए। ऑल राइट, हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का मेरे को यूट्यूब ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज 2020 के बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑफिशियल ट्रैक। यस, और हम लोग ये ट्रैक करने वाले हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आई होप आप लोगों को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के थोड़े से व्यूज दिखा पाएंगे। एंड इस ट्रैक में हमारे साथ है द कंटेंट क्रिएटर विके, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। एंड ही इज नेगी द ब्लड विजू, और ये है अपना अनुज, एंड ये है अपने राणा जी। नमस्कार। एंड दिस टूर इज स्पॉन्सर्ड बाय राणा जी। तो अभी हम लोग यहाँ निहारनी से चले हुए हैं, तो अभी समय हो गया है 9:15, निहारनी से थोड़ा सा ऊपर हम आ गए हैं। एंड लेट्स सी कि ऊपर कब तक पहुँचते हैं। लगभग 20 किलोमीटर का ये ट्रैक है। एंड अभी चलते चलते आधा घंटा हो गया है, एंड आई थिंक यहाँ से नेटवर्क नहीं रहेगा। ग्यारह बज चुके हैं, तो अभी तक लगभग हमने 20% ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। एंड ट्रैक बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, सीधा सीधा रोड है अभी तक। तो बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी रास्ता है पूरा नदियों के साथ चलते चलते है, आप लोग जैसे देख भी सकते हो दिस वन गाइस, पूरे रास्ते में ये नदी आपके साथ चलेगी, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। और ये है अपने राणा जी। राणा जी कह रहे हैं कि दुबई का खजूर। थैंक यू वेरी मच राणा जी। ओ सो ये है दुबई से आया हुआ खजूर। खजूर कहते हैं, हाँ खजूर ही कहते हैं राणा जी, खजूर ही कहते हैं ना इसको। दुबई का है, बड़ा मुलायम। गाइस अभी और दोस्त भी आ गए हैं, ये लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, मस्त मस्त फोटोग्राफ मिलेगी आपको, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। तो अभी हम लोग लंच करेंगे। इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है, देख सकते हैं। इसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है। खैर अभी हम लोग लंच करेंगे, खाना हम घर से ही लाए हुए हैं, तो लंच के बाद फिर निकलेंगे। तो गाइस हम लोग लंच करना स्टार्ट कर चुके हैं, पहाड़ों में लंच करने का अपना ही कुछ अलग मजा है। तो गाइस अभी लंच हो चुका है, और जितना भी बचा हुआ सामान है हम लोग यार अपने साथ ही वापस लेके जाएंगे, और कुछ है कमरे पे डिकम्पोज भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी जब भी माउंटेन पे जाओ तो गंद नहीं मचानी है, खाओ पियो एंजॉय करो, गंद नहीं मचानी है। सो गाइस अभी तक सीधा सीधा रोड था और नदियों के साथ लगता रोड था, लेकिन अभी थोड़ी सी चढ़ाई हो गई है। एंड बैग पे मैंने लगभग 20 kg कैरी किया हुआ है, सो थोड़ी सी थकावट भी हो रही है। वो जो नदी है बिल्कुल नीचे, वहाँ से चढ़ते हुए अभी हम ऊपर आए हैं। देखने में थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इफ़ यू हैव 20 kg इन योर बैग, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, तो सांस फूलना भी लाजमी है। काफ़ी एक्सरसाइज हो गई। जो मुझे लास्ट ब्लॉग में कह रहे थे कि बहुत मोटा हो गया है, धुंध बाहर आ रही है, सो देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2021 ये जो धुंध आ चुकी है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि और भी इसके बाद ट्रैक को प्लान करेंगे हम लोग। सो गाइस
आप लोग देख सकते हैं बुरांस का फूल। जो ये बुरांस का फूल है, हिमाचल का राज्य फूल भी है एंड डिफरेंट वराइटीज इसमें मिल जाती है। अगर आप 10,000 फीट के ऊपर चले जाते हो तो यू कैन सी पिंक रेडेंड्रा भी आपको मिलेगा एंड पर्पल बुरांस भी आप लोगों को मिल सकता है। सो गाइस, अभी हम चल रहे थे, बाकी सभी आगे चल गए, मैं थोड़ा पीछे हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि जो ये वाला एरिया है, यहाँ से देख लो गाइस कितनी ज़्यादा हाइट है, तो ये वाला या यहाँ से समथिंग लाइक सेम एरिया है। यहाँ से ये पुल भी बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ से एक आंगनबाड़ी मैडम थी जो पोलियो पिलाने बच्चों को ऊपर गई हुई थी, सो उनका यहाँ से दुर्भाग्यवश गिरने से डेथ हो गई थी। सो जहाँ पे भी रेस्ट इन पीस। तो काफ़ी रिस्की एरिया भी रहता है गाइस। लुगर्दा व्यू, पहाड़ों से झरने चले हैं। और देखो फिर से इस लड़के की हो चुकी है टाए टाए फिश। हाँ भाई, क्या हुआ? और राइट गाइस, अभी चलते चलते यार आई फाउंड अ ग्रेट व्यू, अभी ले चलता हूँ आप लोगों को। बिलीव मी, बहुत मज़ा आएगा। दिस इज ट्रूली लाइक हेवन। गाइस, यू कैन सी द अल्टीमेट व्यू। कैमरा कांट जस्टिफाई दिस व्यू, बट मेरी अभी आंखें क्या ही बताऊँ मैं। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद जो पिछला वाटरफॉल आप लोगों को मैंने दिखाया था, उसके बाद आई फाउंड अनदर ब्यूटीफुल वाटरफॉल जस्ट बिहाइंड मी। ओह माय गॉड गाइस, ये बहुत ही लंबा वाटरफॉल है एंड बिलीव मी, अब तक मैंने जितने भी वाटरफॉल देखे हैं दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वाटरफॉल। हालांकि अभी वाटर डेंसिटी काफ़ी नहीं है बिकॉज लोग कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जब यहाँ पे बरसात होती है तो काफ़ी ज़्यादा वाटर डेंसिटी रहती है, लेकिन अभी बरसात नहीं है इसलिए पानी थोड़ा सा कम है। बट बिलीव मी गाइस, अगर ड्रोन होता तो भाई मैं क्या तो अल्टीमेट शॉट लेता, लेकिन अभी फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ गाइस। ये यहाँ की देखता है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि बीजू ने रिवर क्रॉस कर दिया है एंड अनुज और बीके भी तैयारी में है, और इन्हें देखकर अभी मुझे भी मोटिवेशन आ रहा है क्योंकि वाटर लेवल कम है, रिवर इजीली क्रॉस हो जाएगी एंड वहाँ पर है वाटरफॉल। आई डोंट नो आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं। और ये देखो राणा जी भी तैयार हो गए हैं, सो अभी हम लोग सभी रिवर क्रॉस करने वाले हैं। आई होप मज़ा आएगा। ऑलमोस्ट 4 बजने को है एंड हम लोग अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने ही वाले हैं। ये है शक्ति ट्रैकर हट, यस फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, यस वी आर इन शक्ति विलेज, यू कैन सी बिहाली। ये है शक्ति बिहाली गांव एंड वो आप देख पा रहे हो वो है रक्टी सर, वहां का भी ट्रैक करेंगे बट समय निकाल कर। सो ये वाला एरिया है जो हमको एक्सप्लोर करना था और ये हमारा विचार हमेशा लेटा ही रहता है, इसको जहां भी मॉडल जहां पे भी इसको लेटने का मौका मिलेगा वहां पर लेट जाता है। अभी व्यू है और रात को बारिश भी हो सकती है, मौसम ख़राब है और ये कुछ बच्चे हैं भेड़ों को चला रहे हैं। ये भेड़े हैं यहाँ पर,
नाम बताओ पहले अपना। चमनलाल, वेरी गुड। आपका? तेजा सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे? छठी। आज कल भी जाते हैं स्कूल? क्या नाम है बेटा? स्कूल जाते हैं, गुड। आपका क्या नाम है बच्चे? ये लो भाई, ये लो, ये आपको। मेरा क्या नाम है? अच्छा जी। भाई पढ़ाई करनी, ठीक हो? पढ़ते रहना, गुड। बच्चे काफी खुश हो गए हम लोगों को देख के, एंड हम लोगों ने बच्चों को ज्यादा कुछ खाने को बचा नहीं था, जो भी बचा था हम बच्चों को दे चुके हैं। और कल सुबह भी आना बच्चों, ठीक है? तो गाइस अभी हम लोग टेंट पिचिंग करने वाले, एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि भाई जहाँ भी थोड़ा सा ढलान हो उस तरफ को टेंट लगाओ, ताकि अगर बारिश वगैरह हो जाए तो पानी सारा फ्लो हो जाए नीचे से। एंड मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वाटर नियर बाई होना चाहिए, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि पानी यहीं पर पास में है यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर टेंट पिच करने वाले, इस एरिए पे पत्थर भी है पीछे, तो अगर विंड स्पीड आएगी तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। हमारे टेंट लग चुके हैं, एंड अब हम थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करेंगे और फिर आगे का प्लान सोचते हैं कि क्या करेंगे। खैर प्लान कुछ भी नहीं है फिलहाल, रेस्ट करने का प्लान है, फिर डिनर की तैयारी करेंगे। एंड डिनर भी हम लोग खुद ही पकाने वाले हैं। वैसे तो हमारे पास ऑप्शन है कि भाई गांव में जाके हम खा लें, लेकिन हम लोग पूरी कैंपिंग वाली फीलिंग लेने वाले हैं, सो डिनर भी हम यहीं पर बनाएंगे। सो गाइस अभी हमारी आग जल चुकी है, ये है अपनी आग, एंड ये इन तीनों ने जलाई है, लेकिन बारिश भी हो रही है और विंड स्पीड भी काफ़ी चल रही है, तो रात को हम उड़ ना जाए और परेशानी ना हो जाए, बट मज़ा बहुत आ रहा है। ये देख सकते हैं आप हमारा कैंपिंग साइट पूरा, और मौसम देख सकते हैं पूरा बहुत ही बरस रहा है। एंड बेस्ट पार्ट इस एरिया का ये है कि यहाँ पर लकड़ियाँ भी फुली अवेलेबल है, मैक्सिमम कैंपिंग साइट में होता नहीं है, एंड पानी भी फुली अवेलेबल है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।